श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। हे मित्रों, आज हम आपको श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम अंश की कथा सुनाने जा रहे हैं, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि सभी इस पावन कथा को सुन सकें। और इस कथा को अंत तक आप जरूर देखें, ताकि आप सभी को श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो। श्री विष्णु पुराण में कुल 6 अध्याय हैं और प्रथम अध्याय में 6 अंश हैं, और आज हम प्रथम अंश की चर्चा करेंगे। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखर बिंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ है और आगे कैसे होगा, तथा हे ब्रह्म, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किसने उत्पन्न किया है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मन्वंतर, चारों युगों में विभक्त, कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवऋषि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना, तथा ब्राह्मण आदि वर्ण तथा ब्रह्मचर्यवादी आश्रमों के धर्म, ये सब हे मुनि शक्ति वंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आपकी कृपा से यह सब बातें जान सकूं। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया है, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते हुए देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवान को भला कैसे हो सकता है? भैया, भला कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तुम भी इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरअपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं है, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा, दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने यह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले,
मुलत्स जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी बड़े 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 बूढ़ों वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप रूप को जाना जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारे निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलत्स जी के इस तरह कहने पर अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलत्स जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलत्स जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है, अतः हे मैत्रेय, मैं तुम्हारे पूछने से मैं उन संपूर्ण पुराण संहिताओं को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान से सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हें में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं, तथा यह जगत भी वे ही हैं। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय का प्रथम अंश यहीं पर समाप्त होता है। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय द्वितीय अंश को हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर कथा को सुनाते वक्त मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में श्री मन नारायण नमः जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।